तो उस पापी हिरणाक्ष को मारा कहां है? कहां मारा था? आपने देखा वो जगह आज भी बनी हुई है। कहां मारा? न्या पापी को बदनु हनोई, सौ रुपए पदम सिंह जी यज्ञपति महाराज जी उनकी तरफ से हमारे लिए धन्यवाद। गौरव और सौरभ दक्ष प्रजापति उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। क्या या पापी को बदनु हनोई और ताई को सोरों खाट बनोई, गंगा जी का जो घाट है सोरों का, आज भी आप जाएं तो सोरों के तिराए पर सूकर भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है अभी, और रोड पे भी बोर्ड लगा हुआ है सूकर क्षेत्र, यही मारा था उस पापी। अब हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भाई को मारा है श्री हरि ने, तो मैं बदला पटाऊंगा। अब बदलो कैसी पटे? बदलो तो तभी तो पटे तब बराबर जोर आवे, बराबर। और परीक्षा जी कुश्ती हमेशा बराबर की अच्छी लगते हैं। और देखो जब बालक क्रिकेट देखते हैं आते टीवी पे, अगर 50-100 रन को अंतर पच जाए तो हम देखे में आनंद ना आया तो है। और जब मालूम पत्ते के 1 रन की कुश्ती रह गई है केवल बस हाथ जीत पे, ताकत दिल के धड़कन बढ़ जाते हैं, देख भाई तो कुश्ती बराबर की मानी जाते हैं। और अच्छी तब लगाते हैं, अब ऐसी कुश्ती अच्छी लगाई कि जी हमते पहले जो कथा बालक बोल तो अजय जय उम्र ज्यादा ज्यादा 16-17 साल को मंगेश, और एक रुपये पल्ले कौन अब बैठेगा 90 किलो वजन उनमें, बे जाते कंगे कमरा में कि आजा लड़े हो, अब बताओ तुम सही बताइयो दिखवाइयो देख के बता दे शोभा दे। अब बार बार ये कहते रहे लड़े हो तो एक दिन फिर जाऊ ने कह दिया क्या मन ना मान तो आ जा, तो सही बताइयो इनमें हिम्मत कौन से की ज्यादा है, जा की ज्यादा है, है? लेकिन उन्नू किब्बा की पिछाई छोड़ी के लड़ लो तो कुश्ती बराबर की होती है। लेकिन आज विचार करता है उनका सब तपस्या के बल से बल बराबर होगा, बल हमेशा तपस्या से आता है, तपस्या से। और सुनो बेटा पढ़ने वाले बच्चे सब ध्यान से सुने, जो तुम पढ़ते हो ये भी तो तपस्या है, ये भी तो तप है। जब मकान में हम रुकते हैं रात को, बच्चे पढ़ते हैं रात को 11 बजे तक और सुबह 4 बजे फिर जग जाते हैं, और वो तपस्या कैसी है कि बेटा ऐसी पढ़ाई पढ़ी हो कि एक बार एक गांव में, अब थोड़े दिन पहले तुमने सुनी हुई गवर्नमेंट को आदेश हो कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान गांव में रुके, रोकेगा मन में। सो एक दिन कप्तान साहब रुक गए गांव में गोलारे में आके, अब सर्दी के दिन आए जनवरी को महीना, अब 4 सिपाही बाहर खड़े थे, उनने की भैया आज मर गए ठोर, क्यों कि कप्तान साहब पूरी रात यहां रुकेंगे तो हमें तो सभी रात ठाड़ो ही रहना पड़े ठंड में, जा सलाह कर रहे बार और कप्तान साहब सुन रहे भीतर, तो जो सवेरा भाव तो कप्तान साहब ने जग के विचार बुला लेते आओ, क्या कह रहे थे रात भैया कप्तान की पेशी में पुलिस सिपाही की क्या क्यों रह जाते हैं, जे बालक जानते हैं ना पुलिस में हता है दीवान जी को, कप्तान पेशी में बुला ले तो पसीना आ जाता है, क्या कह रहे थे रात? नहीं नहीं सर हम कुछ नहीं कह रहे थे। नहीं बताओ तुम क्या कह रहे थे? कप्तान साहब सभी रात चिंत सोएंगे और हम सभी रात जगेंगे, यही कहा तुमने? कि हाँ सर यही कहा था। तो सुनो जिस दिन मैं पूरी रात जगता था तब तुम पूरी रात सोते थे, आ रही बात समझ में? IAS और IPS जो बनते हैं वो 24 घंटा में 19 घंटा पढ़ते हैं,
तो जिस दिन मैं पूरी रात जगता था तब तू पूरी रात सोते थे, और आज पूरी रात में नींद भर के सोऊंगा तुम्हें जगना पड़ेगा। तपस्या करिए आप, फल ना मिले तब गारंटी है। पन्ना कई कह रहे हैं, अबे तो बड़ी बूढ़ी मैयो कह रही है कि हे गोवर्धन महाराज हम ते परिक्रमा देंगे, हमारे नाती है जाए। परिक्रमा कब देंगे? नाती है जाओ तो मैया तुम परिक्रमा दिया, नाती तो है ही जावे। तो पहले फल चाह रहे हैं, तो ध्यान करना ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। क्या के तप बल रचे प्रपंच विधाता, शिवजी संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण। आज तपस्या करने का विचार किया तो उस हिरण्यकश्यप की रानी का नाम था कयाधु, कयाधु। लेकिन ध्यान रखना बहुत दुराचारी था, और कयाधु गुणवान थी। तो आज वो तपस्या करने को चला तो रानी कयाधु दरवाजे पर खड़ी रही, और जैसे ही वो तपस्या करने जा रहा था तो एक बरगद की खोल में तोता राम राम कह रहा था, राम राम। और सुनो परीक्षित जी, पक्षी भी भजन करते हैं, इंसान नहीं कर पा रहा है, पक्षी